बड़वानी जिले में कोरोना को लेकर बाजारों में असर दिखाई दिया है। रक्षाबंधन के चलते सजी राखी की दुकानों पर प्रचार प्रसार के अभाव में फीका लग रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार जो लोग बाजार में पहुंच रहे हैं वह भी चाइना की राखियों का बहिष्कार कर रहे हैं। बड़वानी में 3 अगस्त को जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना है, जिसको लेकर दुकानें भी लग गई है। जहां सेंधवा से पहले 30 से 35 दुकानें लगाई जाती थी, वहीं इस बार सिर्फ 5 से 6 दुकानें नजर आई है। यही हाल जिला मुख्यालय का भी नजर आ रहा है। कुछ एक दुकानें लगी है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में वो भी सुनी नजर आ रही है। दुकान प्रशासन से परमिशन के बाद जिला निर्देशों का पालन कर दुकान संचालित कर रहे हैं। वहीं आवाजाही कम होने को लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। वहीं जो कुछ ग्राहक दुकानों पर आ रहे हैं वो भी चाइना को छोड़ स्वदेशी राखियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो इस बार कोरोना के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी तरह फीका दिखाई दे रहा है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। क्या नाम है? सोनू तोमर। क्या लेना है? हम राखी लेने आए हैं। क्या देखा है? मार्केट में हमने चाइना की राखी नहीं है और चाइना की राखी का हम बहिष्कार कर रहे हैं, स्वदेशी राखी खरीदेंगे। राखी कब है और आप लेने आए? हम पूनम की राखी है, इसलिए हम आज राखी लेने आए हैं। राखी की दुकानें लगे हैं, कब से लगा रहे हो और इस बार क्या विशेष है? भाई साहब, ये 27 तारीख से लगाना हमने प्रारंभ करा। एडीएम मैडम से परमिशन लेने के बाद 14 जो स्थानीय व्यापारी थे उनको अनुमति प्राप्त हुई है। वो पूरे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे उसका पालन करके दुकानें संचालित की जा रही है। लेकिन इसका ये प्रथम वर्ष है इस जगह पर राखी का। इस कारण से ग्राहकों को पता नहीं है कि कहाँ से राखी खरीदना है या दुकानें कहाँ लगी है। प्रचार प्रसार का अभाव के कारण ग्राहकी ऐसे भी नहीं आ पा रही। चाइना राखी तो एक भी राखियाँ नहीं है, क्योंकि पहले चाइना का जो मोती आता था उसके ऊपर जो राखी निर्माण होता था वो हम लेकर के विक्रय करते थे बड़े व्यापारियों से। पर इस बार लॉकडाउन के कारण माल ऑनलाइन आया है और ऑनलाइन ही सब इसका सब वो करा है, तो चाइना का माल तो बिल्कुल भी पूरे मार्केट में नहीं है। और हमारे सारे व्यापारियों ने चाइना का विरोध किया था माल का, और चाइना की कोई भी राखी नहीं और किसी प्रकार से कोई विक्रय भी नहीं हो रहा है उसका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।